सूर्या को कप्तान बनाए जाने के पीछे अब गंभीर की सबसे बड़ी चाल सामने आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार गंभीर ने हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान न सौंपकर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी क्यों सौंपी है। दरअसल जैसा कि सभी को पता है कि गंभीर कोहली और धोनी से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, जिसके कारण गंभीर को कोच की खुशी मिलने के बाद में अब गंभीर कोहली और धोनी के समर्थक खिलाड़ियों के साथ में बुरा व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही ऐसा लग रहा है कि इन दोनों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के साथ में गंभीर बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं और उनको टीम से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। गंभीर और धोनी के बारे में बात करें तो गंभीर का धोनी से चिढ़ने की वजह 2011 का वर्ल्ड कप है। आपको याद होगा कि इस तरह से 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में गंभीर और धोनी दोनों ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी गंभीर को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया, बल्कि यह मैन ऑफ द मैच धोनी को मिला, जिस वजह से गंभीर धोनी से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे। और बात यहाँ नहीं थमी, इसके बाद भी 2011 का वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट एमएस धोनी को मिलने लगा, और यह बात गौतम गंभीर को हजम नहीं हो रही। गंभीर और धोनी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर बात करें गंभीर और कोहली के रिश्ते के बारे में, तो गंभीर की तरह ही कोहली भी बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं, और ये दोनों आक्रामक खिलाड़ी होने के साथ में मैदान पर अन्य खिलाड़ियों से छेड़छाड़ करते रहते हैं, और बहुत सी बार तो ऐसा हुआ है कि गंभीर और कोहली खुद भी आपस में लड़ चुके हैं। 2023 की IPL के बारे में बात करें, जिसमें गंभीर लखनऊ की टीम के मेंटोर थे और विराट कोहली RCB की टीम से खेलते हैं, तो उस मैच में भी दोनों आपस में भिड़ गए, और सभी को याद ही होगा कि उस टाइम पे वह लड़ाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो यही वजह है कि गौतम गंभीर विराट कोहली से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो अब गौतम गंभीर को जब टीम इंडिया का कोच बनाया गया है, तो गौतम गंभीर विराट कोहली और धोनी से जुड़े हुए खिलाड़ियों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं। इसके साथ ही गौतम गंभीर IPL में कोलकाता की टीम के मेंटोर हैं, और साथ ही कोलकाता की टीम से खेले जा चुके हैं, तो इसलिए गौतम गंभीर कोलकाता से जुड़े हुए खिलाड़ियों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और उनको टीम इंडिया से जोड़ रहे हैं। अब अगर बात करें सूर्य को कप्तान बनाए जाने के पीछे की वजह, तो सूर्य कुमार यादव भी मुंबई इंडियंस से जुड़ने से पहले कोलकाता की टीम से खेला करते थे। इसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव MS धोनी और विराट कोहली से बहुत ही कम संपर्क रखते हैं। इसके साथ अगर बात करें हार्दिक पांड्या के बारे में कि गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप्तान से क्यों उठाया, तो इसके पीछे एक साफ वजह यह दिखती है कि हार्दिक पांड्या भविष्य के लिए कप्तान के विकल्प के रूप में ठीक नहीं बैठते हैं। इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या MS धोनी और विराट कोहली दोनों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और इसी वजह से हार्दिक पांड्या को अपनी वर्ल्ड कप्तानी खोनी पड़ी है। और शुभम गिल को वर्ल्ड कप्तान बनाए जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि शुभम गिल कोलकाता की टीम से खेला करते थे, जिसका फायदा उनको गौतम गंभीर ने दिया है। और यह बात यही नहीं थमती, गौतम गंभीर ने इस बार खेलने वाले कोलकाता की टीम से ऋतिक राणा को भी सीधे टीम इंडिया में एंट्री दे दी है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि गौतम गंभीर ने किन खिलाड़ियों के साथ में बुरा व्यवहार किया है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषभ पंत का। जी हाँ, ऋषभ पंत को जहाँ टीम इंडिया कप्तानी मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर टीम का नया कप्तान T20 में सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। सभी को पता है कि ऋषभ पंत एक युवा खिलाड़ी है, और अगर ऋषभ पंत को कप्तानी मिलती है तो पंत आगे आने वाले 10 साल तक टीम इंडिया को संभाल सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत को कप्तान नहीं देने के पीछे सबसे बड़ी वजह है MS धोनी। जी हाँ, ऋषभ पंत को MS धोनी बहुत ज्यादा पसंद है, और ऋषभ पंत भविष्य में MS धोनी तरह बनना चाहते हैं, और सभी ऋषभ पंत को MS धोनी का रिप्लेसमेंट बताते हैं। तो ऋषभ पंत को MS धोनी का सपोर्ट करना अब टीम इंडिया के लिए भारी पड़ गया है। इसके बाद आजकल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा ऋतुराज गायकवाड़ की हो रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में क्यों नहीं चुना गया है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में चयन नहीं मिला है। इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह है चेन्नई सुपर किंग्स। सभी को पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स धोनी की टीम है, तो गंभीर ने एक झटके में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ी झटके की बात तब रही जब टीम में जडेजा को भी नहीं चुना गया। जडेजा ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के बाद में T20 से संन्यास ले लिया, लेकिन जडेजा अब भी वनडे और टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जडेजा को वनडे टीम में जगह नहीं दी गई है। और अगर आने वाले कुछ सीरीज में जडेजा को वनडे टीम में जगह नहीं मिलती है, तो यह बात संभव है कि जडेजा वनडे टीम से भी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जडेजा पहले T20 से संन्यास ले चुके हैं, और अगर जडेजा को T20 छोड़ने के बाद में वनडे में जगह नहीं मिलती है, तो जडेजा के पास संन्यास के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि गंभीर किस तरह से एक एक धोनी के चाहने वाले को टीम इंडिया से दूर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो भले ही गौतम गंभीर टीम इंडिया से धोनी के समर्थकों को दूर कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में गौतम गंभीर के लिए यह कोच का पद बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि गौतम गंभीर के सामने कौन कौन चैलेंज होने वाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं अभी बता दूं कि गौतम गंभीर के कोच हटने के बाद में टीम इंडिया का अगला कोच MS धोनी होने वाले हैं, जिसके पीछे का कारण आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें।